राज्यपाल से पदक मिला था, मैं सम्मान मिला था और बहुत अच्छा मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है वहाँ के जनता के बीच में, बहुत अरुणाचल प्रदेश की जो जनता वहाँ के बीचों में बहुत ही सम्मान मिला। मैं अपने अनुभव को जो है क्षेत्र के विकास में ही लगाऊंगा, पूरा तत्पर रहूंगा। 24/7 24 घंटे सातों दिन मैं क्षेत्र की जनता, अपने ग्राम सभा की जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी। विजयी नहीं, बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाएगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जोर है। तमाम प्रत्याशी, चाहे वो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हों, चाहे जिला पंचायत के या क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी हों, सभी अपने अपने क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में हम भी निकल पड़े हैं उन तमाम प्रत्याशियों के बारे में जानने के लिए, जहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ इस दौरान हम उन्हीं प्रत्याशियों से मिलें जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अच्छा बैकग्राउंड है, जो कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में हम आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक अंतर्गत एक गांव में हैं, बॉर्डर लक्ष्रामपुर गांव में हैं। ये ग्राम सभा है, इसमें दो गांव आते हैं। इस गांव के साथ जिसका मैंने नाम लिया, उसके साथ एक और गांव आता है देवरापट्टी का। ये मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, तकरीबन आबादी यहाँ की 2500 से 3000 के बीच है, सीट यहाँ की सामान्य है। ऐसे में जो हमारे साथ दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं वो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, पढ़ा लिखा, जो चीज मैंने पहले बता दिया, शिक्षित उम्मीदवारों से हम लोग मिल रहे हैं ताकि हम जान पाएं कि इस बार मैंने देखा कि बहुतायत मात्रा में पढ़े लिखे लोग चुनावी मैदान में कूदे हैं। तो ऐसे में लगा हमें कि हमें आपसे मिलकर आपके बारे में जानना चाहिए, आखिर किन वजहों से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं और आखिर आप चुनाव मैदान में क्यों हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि आप सहायक अभियंता के पद पे कार्यरत रह चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और गांव की माटी ने इनको वापस बुलाया है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी वर्षों तक सेवा में रहे और गांव की माटी ने जब इनको वापस बुलाया तो ये मैदान में आ गए हैं। और बातचीत में, अनऑफिशियल जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसमें इन्होंने बताया कि गाँव वालों की, कुछ गाँव वालों की भावुक अपील पर ये मैदान में उतरे हैं। मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गाँव के लोगों ने कहा कि तका करे आल बाटा, ऐसे अच्छा तो वापस चल जा आजमगढ़, चाहे जहाँ जहाँ नौकरी करा ताला, यही बात आपको बोला गया, तो आप मैदान में उतर गए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ ये मैदान में उतरे हैं, गांव वालों की भावात्मक अपील पर ये मैदान में आ गए हैं। गांव वालों ने जब इनसे कहा कि इससे अच्छा था अगर आपको प्रधानी नहीं लड़ना था, हम लोगों की क़यादत या हम लोगों का नेतृत्व नहीं करना था, तो इससे अच्छा आप जहां नौकरी कर रहे थे वहीं चले गए होते, या जहां अन्य शहरों में आपने घर बनाया है या अन्य कहीं जगह अन्यत्र आपने कहीं घर बनाया है तो वहीं जाके रह लेते, यहां आने की क्या ज़रूरत है। आपके दो बेटे और दो बेटियां हैं और दोनों ही, मैं बताऊँ अगर बच्चों की बात करूँ तो लड़के और लड़कियों को उन्होंने समान शिक्षा दी है। दोनों बच्चे इनके जो हैं, चारों बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं, दो लड़के दो लड़कियाँ हैं इनके और पूरा परिवार ही शिक्षित है। तो देर ना करते हुए इनसे मैं बातचीत करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों मैदान में। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आखिर सहायक अभियंता के पद से रिटायर हुए और फिर चुनाव मैदान में, अक्सर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं चुनावों से दूरी बनाते हैं, आप कैसे पढ़े मैदान? नहीं, जो दूरी बनाते हैं इसलिए दूरी बनाते हैं कि आम जो धारणा है लोगों की कि प्रधानी का चुनाव गांव की राजनीति है, ठीक नहीं है, इसी वजह से अच्छे लोग नहीं आते हैं। जो है कोई अपराधी प्रवृत्ति का हो या अनपढ़ हो, अनपढ़ होना भी कोई खराब नहीं है, लेकिन अनपढ़ में भी नियत जो है, सही व्यक्ति नियति सही है तो उसकी नीति भी सही होती है। बात पढ़ा लिखा और अनपढ़ की बात नहीं है, पढ़ा लिखा भी अगर किसी भी चुनाव में आता है, चाहे प्रधानी का हो या किसी भी विधायक का हो, लेकिन उसकी भी नीति खराब है तो
मेरा अपना सोच है कि वो भी गलत ही है। लोगों की एक धारणा होती है कि ठीक है पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो चीजों को ढंग से करेगा, बाकी नियत तो सबकी वो उनके अंदर होती कोई। मेरा जो सोच था कि जो है मैं जनता की सेवा करूंगा और नियत साफ करके करूंगा, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। अब अपने बारे में जल्दी जल्दी बता दें कि नाम से लेकर के बाकी आपका जो सफर है बहुत मुख्तसर अंदाज में बताएं। मेरा नाम रामलगन यादव, ग्राम बोंडला लशीरामपुर। मैं 1981 में अरुणाचल प्रदेश में 28 फरवरी 1981 को ज्वाइन किया। 81 में एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया। लगभग 12 साल के बाद मेरा प्रमोशन हो गया सहायक अभियंता के पद पे, असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर। और बीच में मेरे अपने अच्छे रिकॉर्ड की वजह से मुझे भी राज्यपाल से पदक मिला था, मैं सम्मान मिला था। और बहुत अच्छा मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है वहाँ के जनता के बीच में, बहुत ही अरुणाचल प्रदेश की जो जनता वहाँ के बीचों में बहुत ही सम्मान मिला। इसकी वजह से मुझे लगभग 7 साल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम करना पड़ा, लेकिन मेरा जो सीनियरिटी के बेसिस में समय पूरा नहीं हो पाऊँ, सीनियरिटी में मैं नहीं आया था, लेकिन विभाग ने मुझे एक्शन के पद पे काम करने का मौका दिया था। लेकिन रिटायरमेंट के समय लगभग 25 दिन जब मेरा समय आया था एक्शन में आने का, उसके 25 दिन पहले ही मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, तो मैं सहायक अभियंता के पद पे रिटायर हुआ। आप रिटायर हुए, एक बार दाहिने तरफ से दिखाना शुरू करें राहुल, आपके समर्थक भी यही सारे लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं कि आप क्या बातें बोल रहे हैं, और यही वो लोग हैं शायद जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि इससे अच्छा अगर चुनाव नहीं लड़ना था तो आप वहीं चले जाइए, गांव में काहे आए हैं। हाँ, यही ना लोगों की बात है कि गाँव में आप क्यों कर आए हैं अगर आपको हमारी समस्याओं से सरोकार नहीं है तो। भलाई आप नहीं चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप लड़िए और गांव में विकास का काम करिए। लोगों की भावना को का कदर करते हुए हमने मैदान में आया। तो आपकी जो पत्नी है उन्होंने क्या कहा जब आपने उनसे कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मना नहीं किया उन्होंने? पत्नी का कहना है कि जन भावना का आदर करिए, हमारा अपना कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप जन भावना का आदर करते हुए आगे कदम बढ़ाइए। बच्चे ने मना किए? बच्चे आपके हाईली एजुकेटेड हैं, उन्होंने मना नहीं किया कि? पूछा नहीं है। अच्छा, नहीं, बच्चों को हमने जो है डिक्लेयर करने के बाद बच्चे आए तब उन्हें पता लगा कि पापा जो है प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या लगता है आप जनसंपर्क शुरू किए हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों के रुझान क्या है? हमारा अपना तो सोच ये है कि रुझान जो है मेरे तरफ ज्यादा है, वैसे रुचि दिखा रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी, विजयी नहीं बहुत ही भारी मतों से विजयी जिताएगी। आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, अमूमन जो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में जब चुनाव होते हैं, किसी भी स्तर के चुनाव हैं, तो वहाँ पे अनर्गल चीज़ें बहुत होती है, शराब वराब बहुत सारे बांटे जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी गैर जरूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये भी कहते हैं बिना इसके चुनाव जीतना संभव नहीं है। नहीं, वो लोगों की अपनी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है कि बगैर इसके भी काम चल सकता है। जी, मुझे नहीं लगता कि आपके चेहरे से देख के या शक्ल से देख के कहीं से आप नशा वशा कुछ करते हो? नहीं, कभी नहीं। मैं पहाड़ी एरिया में रहा हूँ, ठंडे प्रदेश में काम किया हूँ, लेकिन एक ड्रॉप भी हम अभी तक जो है वाइन का टच नहीं, जबकि वहाँ पर आर्मी चाइना का बॉर्डर है, जगह जगह में आर्मी के जो यूनिट है
लेकिन हम अभी भी अंतर क्या है यहाँ और वहाँ के जीवन शैली? वहाँ का जीवन शैली मतलब बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आबोहवा अच्छी है, लेकिन जो भी हो अपनी मिट्टी जो है, जन्मभूमि जहाँ है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादब गरीसी, तो मुझे जो है जितना भी वहाँ अच्छा होने से भी यहाँ जब आ जाते थे तो जाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन घर की मजबूरियाँ, जैसे बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, तो जाना ही है, नौकरी में तो जाना ही है, तो इच्छा नहीं होने से भी जाना पड़ता था, इच्छा ना होने से जाना पड़ता था। एक महत्वपूर्ण सवाल है, किन मुद्दों को लेकर के आप इस जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसमें उतरे हैं, मुद्दे आपके क्या क्या हैं, जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है, भ्रष्ट तंत्र को हटाना है, सही से हम विजयी होने से तो सही से काम होगा, सरकार जो पैसा देती है जनता की भलाई के लिए, गरीब जनता के लिए जो जिस लायक है उनको, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जनता की भलाई के लिए पैसा देती है, कागज में तो पता लगता है कि सरकार की नज़र में कि बोंडरा लच्छीरामपुर बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलप हो गया, विकसित हो गया है, लेकिन ग्राउंड में देखने से कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ, मैं 4 साल में लगभग 3.5 साल घर में रहा, मुझको ग्राउंड में कुछ खास नज़र नहीं आया, तो मेरा इतना तो ना हो पाने के पीछे आप किस कारण को मानते हैं? ये जो नाकामियां होती है, जैसे सरकार भी चाहती विकास करना, जनता विकास की मांग करती है और नहीं हो पाता योजनाओं के होने के बाद, तो इसमें कमी किसको मानते हैं? कमी तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक को दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन गाँव का प्रतिनिधि जो भी हो वो अगर सही से कराना चाहेगा तो जरूर विकास होगा, जरूर विकास होगा। क्षेत्र के लोगों से आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है, ताकि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आगे वो विजयी करके मौका दें, या इस तरह की चीज़ें क्या अपील करना चाहेंगे, ताकि आपने जो मुद्दे लेकर के मैदान में आप उतरे हैं, जिन मुद्दों पर आप अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ा करके उसको ज़मीनी हकीकत में तब्दील कर? नहीं, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता, अपने यहाँ की भी और मीडिया के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे उनको सुनेंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम को मन से हटा देना है कि अरे पढ़े लिखे हो करके इस पद पर आकर के, या सपोज कोई प्रिंसिपल है, अरे इतना जो है इज्जत वाला विभाग में, नहीं, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, कोई भी पार्टिसिपेट, आप क्यों आ रहे हैं ये कचड़े में, क्यों आ रहे हैं? कचड़े को ख़त्म करने के लिए ही सही लोगों को आना चाहिए, कचरा तभी साफ होगा जब सही लोग घुसेंगे, तब उस डर से अरे हम तो इंजीनियर रहे, हम क्यों इसमें आते हैं? तो ये आप अपने जो आपका जो अनुभव है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो क्षेत्र के विकास के काम? जरूर, मैं अपने अनुभव को जो है क्षेत्र के विकास में ही लगाऊंगा, पूरा तत्पर रहूंगा, 24/7 24 घंटे सातों दिन मैं क्षेत्र की जनता, अपने ग्राम सभा की जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा, सेवा करूंगा। तो देखा आपने, हमने बात किया बोडरा लक्ष्रामपुर और देवरापट्टी, ये दो गांव की एक ग्राम सभा है, बोडरा लक्ष्रामपुर, वहां से उम्मीदवार हैं राम लगन यादव जी, सहायक अभियंता के पद से रिटायर हुए हैं 1981 में, अरुणाचल प्रदेश में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 82 में मैं पैदा हुआ था, ये बड़ी लंबी कहानी है, 39 सालों का, 40 सालों का इनका अनुभव है काम करने का।
तो ये सारी चीजों को लेकर के अपने दोस्तों के आह्वान पे, गांव वालों के भावात्मक अपील पर ये मैदान में उतरे हैं और कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अनुभवी व्यक्ति है, चीज़ों को या उसका क्रियान्वयन जमीन पे बेहतर तरीके से कर सकता है। और राजनीति भले लोग गंदा समझते हों, इसको सही करने का, इसको साफ करने का, भ्रष्टाचार मुक्त करने का भी काम हमारे आपके बीच से ही जब कोई जाएगा तभी हो सकता है। अन्यथा दूसरा कोई नहीं आएगा, दूसरे देश से कोई नहीं आएगा। हमारे ही लोगों को कदम बढ़ाना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, तभी सही तरीके से जनता को उसका हक मिल सकेगा। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते जनता से अपील करेंगे। वो अपील क्या है, हमारी सभी की ड्यूटी है उसको कहते रहने की। हम कहेंगे जनता के बीच, बार बार कहेंगे और फिर दोहराएंगे, दोहरा रहा हूँ मैं, कि जो तुम्हें आज पिलाएगा वो कल तुमको रुलाएगा। दारू शराब और जहरीली शराब, मीट मुर्गा मछली से दूर रहिए, क्योंकि आप पहल खुद करिए। अगर कोई प्रत्याशी आपसे कहता है कि इन चीज़ों को लीजिए, हमें वोट करिए, तो आप उस प्रत्याशी को कहिए कि नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, इन चीज़ों की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। अगर जनता आपको चाहती है, प्यार करती है, अगर जिताती है, आशीर्वाद देती है, तो आप क्षेत्र के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र का विकास करिएगा। ये हमारी ड्यूटी है, तो इसे हम कह रहे हैं और शायद आप भी ऐसा ही चाहते होंगे, है ना, कि लोग इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें, जनता खुद कहे कि हमें इन चीज़ों से दूर रखिए, और आप जीतिए तो जनता का काम करिए, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को दीजिए। जी, है ना, बिल्कुल। तो हमने बात किया रामलगन जी से, कहना चाहता हूँ कि जनता जो है, जितना विश्व मेरे ऊपर जो विश्वास करेगी, मैं इस विश्वास पे खरा उतरूंगा, इतना मैं जरूर कहूंगा। हमने बात किया रामलगन यादव जी से, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं, चार बच्चे हैं, और इनके दामाद भाभा एटमिक सेंटर, रिसर्च सेंटर में इनकी बेटी भी हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं, आईआईटी रुड़की से वो पास आउट हैं और रिसर्च कर रही हैं, और पीएचडी भी उन्होंने किया है। तो बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड इनके साथ जुड़े हुए। तो ऐसे ही हम तमाम प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे, उनके दिल की आवाज़ को आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलते हैं किसी और जगह, किसी और प्रत्याशी के मन की बात को सुनने के लिए, लेकिन आप भी अपनी ड्यूटी पूरी करते जाइए। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो उसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।